दोस्तों, अगर आप भी किसी भी इमेज को या जेपीईजी फाइल को अगर आप पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो 100% आपके लिए ही है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा और बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। कहीं से आपको कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करने को बोलूँगा और बहुत ही आसान तरीके से आप इसको जेपीजी को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेशन वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा दोस्तों? सबसे पहले हम चलिए हम किसी भी इमेज को हम ओपन कर लेते हैं। हमने यहाँ से एक इमेज ओपन कर लिया और जैसे देख सकते हैं मैं कौन सा इमेज ले लूँ। चलिए मान लेते हैं हम इस इमेज को ले लेते हैं, ये इस इमेज को हम ले लेते हैं दोस्तों। इस इमेज को हमने ले लिया और इस इमेज को आप देख सकते हैं ये किस फॉर्मेट में है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जेपीजी फॉर्मेट में है। अब दोस्तों, हमें इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि जैसे ये इमेज है, इस पर हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद दोस्तों ये ऊपर आना है। ये देख सकते हैं आप, थ्री डॉट्स जो दिखाई दे रहे हैं इस पे हमें क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिख रहे होंगे आपको। ये देख सकते हैं, ये हम जो स्लाइड कर रहे हैं ये ऑप्शंस देख सकते हैं। ऐड टू एल्बम, मूव टू आर्काइव, डिलीट फ्रॉम डिवाइस, मूव ब्लॉक फोल्डर, सेव एज, स्लाइड शो, प्रिंट, ये सब सारे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो दोस्तों, इसमें हमें करना क्या है, स्लाइड करके किनारे आना है। और किनारे आने के बाद ये आप यहाँ से देख सकते हैं, एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको प्रिंट करने का। ये प्रिंट करने का ऑप्शन दिख रहा होगा, हमें इसी पे क्लिक करना है। हम इसे क्लिक करते हैं इस पे प्रिंट वाले ऑप्शन पे और देखिए कुछ इस तरह का आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। और दोस्तों, इसमें देखिए, इसमें आपको क्या करना है, अगर आप जिस ये लिखा है ना ऊपर, ये आप देख सकते हैं सेव एज पीडीएफ, तो आप इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए दोस्तों, यहाँ से आप चाहें तो यहाँ से पेपर का साइज यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये लेटर लेआउट लाइंस के पॉल पेज, मतलब कि यहाँ से आप पेज सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेटर साइज के पेपर पे ही रहने देते हैं। और यहाँ से कॉपीज हमें जो करना है, वन कॉपी, टू कॉपी, जो भी करना है वो कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों, ये सिंपल सा है, ये आप देख सकते हैं सेव एज पीडीएफ में, ये ऊपर आपको दिख रहा है सेव एज पीडीएफ और यहाँ उसका सेव करने के लिए दिख रहा है। तो इस पे हमें ऐसे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जो है ये आपके गैलरी में जाएगा, गैलरी के फोल्डर में जो डाउनलोड फोल्डर होगा उसमें आपको जाएगा। ये देख सकते हैं आप नीचे, ये com.google.android.apps, ये आपको इसमें सेव कर लेना है। ये हमने इसको सेव कर दिया। ठीक है, अब सेव करने के बाद ये हमें मिलेगा कहाँ दोस्तों? गैलरी में ही, हमने बताया था गैलरी में आपके मिलेगा। हम यहाँ से जो है गैलरी को फाइल मैनेजर खोलते हैं। फाइल मैनेजर खोलने के बाद दोस्तों, हमें जो है देखना है इसमें, ये इसमें आप देख सकते हैं कहाँ पे होगा ये डाउनलोड्स फोल्डर, हमें कहाँ दिख रहा है, ये है डाउनलोड्स, ये डाउनलोड्स फोल्डर हमने खोल लिया दोस्तों। जो हमने अभी जो हमने किया था देख सकते हैं, ये डाउनलोड फोल्डर में आके ये हमने इस इमेज को किया था, कन्वर्ट किया था, देख सकते हैं ये आप। देखिए यही वाली इमेज था और इस इमेज को देख सकते हैं आप, यहाँ से आप जिसका देखेंगे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पीडीएफ देख सकते हैं ये। तो ये तरीका बहुत ही आसान है दोस्तों, ये पीडीएफ फॉर्मेट में करने का, विदाउट किसी एनी एप्लीकेशन के इंस्टॉल के, किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको हमेशा जब भी डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड्स।